की बड़ी खबर आपको बता दें, लालू यादव के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी ने लालू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के हिंदू होने पर सवाल उठाया। इंडी गठबंधन की जन विश्वास रैली में लालू यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर इस बात का आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी मां के निधन पर बाल और दाढ़ी क्यों नहीं कटवाया। लालू यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, जिस पर बवाल खड़ा हो गया। सबसे पहले आप सुनिए कि आखिर लालू यादव ने क्या कुछ कहा था। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं, तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माताजी जब और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ। लालू यादव के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, जिन लोगों ने बिहार को गाली बना दिया वो दुनिया में सनातन को बढ़ावा देने वाले प्रधानमंत्री पर बयानबाजी कर रहे हैं। अजय आलोक ने भी लालू यादव को लेकर राहुल गांधी को घेरा। वहीं जेडीयू के नीरज कुमार ने कहा कि उम्र के इस पड़ाव में इस तरह की भाषा लालू यादव को शोभा नहीं देती। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जैसे लोग जो राजनीतिक जोकर के रूप में काम करते हैं, बिहार को मजाक बना दिए, बिहार को गाली बना दिए और ये व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को तुमताम कर रहा है, ये पॉलिटिकल भाषा हो सकता है क्या? ये व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री जो सनातन का गौरव है, अपने देश में नहीं दूसरे देश में अरब कंट्री में भी सनातन को गौरव बढ़ाए, उसके बारे में ये सर्टिफिकेट देंगे? लालू यादव जी को लगता बीमारी के साथ साथ आंख में मोतियाबिंद भी हो गया है, दिखाई कम देता लगता। अरे मंच पर राहुल गांधी बैठे हुए थे, नहीं दिखे? पारसी पिता ईसाई माता के पुत्र हिंदू नहीं है, राहुल गांधी दिखे नहीं है, पीएम मोदी दिख गए, जिसने 18 वर्ष 19 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था, परिवार का त्याग कर दिया था, सारे रिश्तों का त्याग कर दिया था। इतनी भी समझ नहीं है कि जो संन्यास ले लेता है उसके साथ किसी का तरह का कोई बंधन नहीं होता। और हिंदू धर्म की जागृति जो नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। उनकी भाषा माने लालू प्रसाद जी आपको शोभा नहीं देता है, जीवन के अंतिम चरण में आप इस ढंग की भाषा और व्यक्तिगत टिप्पणी आप जिस ढंग से कर रहे थे प्रधानमंत्री पर, राज्य के मुख्यमंत्री पर, यह निश्चित रूप से यह बताता है कि आपके पास भाषागत समृद्ध परंपरा नहीं है। इसी के चलते राजनीति के लंपटीकरण का जो आप पर आरोप लगता रहा है उसका आज यथार्थ बोध हुआ है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, मिशन 400 पार को लेकर पीएम मोदी के अगले 10 दिनों का कार्यक्रम तय हो चुका है। अगले 10 दिन में प्रधानमंत्री 12 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। इनमें तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु और ओडिशा से लेकर बंगाल और बिहार जैसे राज्यों में पीएम का कार्यक्रम होना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश और यूपी के अलावा गुजरात, राजस्थान और दिल्ली में भी पीएम का कार्यक्रम है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 दिनों में 12 राज्यों का दौरा करते हुए पीएम नजर आएंगे। 7 मार्च को श्रीनगर में पीएम मोदी की एक मेगा रैली होगी। तो अगले 10 दिन का पीएम मोदी का प्रोग्राम क्या है, आपको इसकी एक एक डिटेल ग्राफिक जरिए समझाते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब और कहां जाने वाले हैं। अगले 10 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम जो है वो कहां कुछ होने वाला है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के आदिलाबाद में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कल यानी कि 5 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी तेलंगाना के संगारेड्डी में कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पीएम उड़ीसा जाएंगे और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 6 मार्च को पीएम मोदी कोलकाता में विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे और 12/7 में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम बिहार जाएंगे और बेतिया में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 7 मार्च को पीएम जम्मू कश्मीर जाएंगे। घाटी से धारा 370 हटने के बाद ये पीएम की पहली यात्रा होगी। 8 मार्च को पीएम मोदी दिल्ली में पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार में भाग लेंगे।
9 मार्च को पीएम मोदी अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग में सेला सुरंग का उद्घाटन करेंगे और फिर ईटानगर में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो असम के जोरहाट में फेमस अहोम सेना कमांडर लाचित बोरफुकन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 10 मार्च की बात करें तो पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में होंगे और आजमगढ़ में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। 11 मार्च को पीएम मोदी दिल्ली में नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी कार्यक्रम से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। शाम को वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम में भाग लेंगे। और 12 मार्च की बात करें तो पीएम मोदी गुजरात के साबरमती और राजस्थान के पोखरण का दौरा करेंगे। 13 मार्च को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात और असम में 3 महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के आदिलाबाद में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। आदिलाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली को भी संबोधित करेंगे। तेलंगाना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु जाएंगे। कल्पक्कम में परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सरकारी कंपनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी का दौरा करेंगे और चेन्नई में रैली को संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है ये आपको बताते हैं। देखिए, तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन में 62,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात जो है वो जनता को देने वाले हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आदिलाबाद और संगारेड्डी जिलों में बिजली, रेल और सड़क से संबंधित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। आदिलाबाद में 56,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजना लॉन्च की जाएगी। संगारेड्डी में 6,800 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लॉन्च की जाएंगी। तेलंगाना के पेद्दापल्ली में एनटीपीसी की 800 मेगावाट की तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम नव विद्युतीकृत अंबारी आदिलाबाद रेल लाइन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम तेलंगाना को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की आधारशिला रखेंगे। 5 मार्च को हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कल हुई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक करीबन 10 घंटे तक चली। सुबह 10:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक में पहुंचे थे और रात 9:30 बजे पीएम इस बैठक से निकले। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने इस बैठक में अपने सहयोगियों से कहा कि जाइए और लोकसभा चुनाव जीतिए, बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिपरिषद में विकसित भारत 2047 के विजन डॉक्यूमेंट और अगले 5 साल के विस्तृत कार्य परियोजना पर मंथन किया गया। साथ ही बैठक में मई में नई सरकार के गठन के बाद तुरंत उठाए जाने वाले कदमों के लिए 100 दिन के एजेंडे और उनके तुरंत क्रियान्वयन के बारे में चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक पीएम ने बैठक में कहा, चुनाव के दौरान हमें इस बात से सावधान रहना होगा कि हमें किससे मिलते हैं और ये देखना होगा कि हम क्या संदेश देते हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बता दें, जहां पर आसनसोल सीट से प्रत्याशी बनाए गए उम्मीदवार पवन सिंह के चुनाव ना लड़ने के ऐलान से सियासी हलचल तेज हो चुकी है। पवन सिंह ने उम्मीदवारी की लिस्ट जारी होने के एक दिन बाद यानी कि रविवार को ट्वीट कर आसनसोल से चुनाव ना लड़ने का ऐलान किया था। टीएमसी ने पवन सिंह मामले में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। तो वहीं पवन सिंह के आसनसोल से चुनाव न लड़ने को लेकर टीएमसी ने अपनी जीत बताया। टीएमसी के नेता शांतनु सेन के मुताबिक पश्चिम बंगाल के लोगों ने भी पवन सिंह का विरोध किया था। बाद आसनसोल में जिसको उम्मीदवार किया था वो पवन सिंह, जो बंगाल का औरत को लेकर विलिफाई किया, ह्यूमिलिएट किया, गलत शब्द यूज करके उनको इंसल्ट किया, उनके खिलाफ हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया और हमारा यह प्रोटेस्ट, यह जनगर्जन इतना जोरदार था, बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव का मैदान छोड़ के भाग गया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी भारतीय जनता पार्टी के पहले लिस्ट में भोजपुरी गायक और एक्टर पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट उन्हें दिया गया था, जिसके एक दिन बाद यानी कि शनिवार को पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसकी जानकारी एक ट्वीट कर दी, जिसमें उन्होंने लिखा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूँ,
पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। तो पश्चिम बंगाल के आसनसोल से टिकट मिला था, लेकिन पवन सिंह ने मना कर दिया। तो पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी पवन सिंह मामले में बयान दिया। क्या बोलेगा? मैं कहूंगा अच्छा आदमी है, अपना बच्चा है, परिवार का है, लेकिन जो फैसला जो किया है लड़ने का नहीं लड़ने का, ये उनका या उनकी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इंटरनल अफेयर है। इस पे मैं कोई कमेंट करने वाला है, दखल अंदाजी देने वाला कौन हूँ।